आयतुल्लाह गाजी दबदबाई का जमाना है और एक शख्स है जो ओबाश है, बदमाश है, लोग डरते हैं उससे, डरते हैं, लेकिन क्योंकि सैयद है आयतुल्लाह गाजी इनका एहतराम करता है। जब भी नजफ के बाजार में सैयद को देखता था चुप हो जाता था। एक दिन आयतुल्लाह गाजी दबदबाई ने इसको कहा कि देखो तुम मेरा एहतराम करते हो। कहा हाँ सैयद मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। कहा इसी दोस्ती की खातिर एक काम कह रहा हूँ। कहा हुक्म करे घर आज रात तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसे आगा गाजी क्या कह रहे हैं, तहज्जुद। डॉक्टर जानता है कौन सा नुस्खा मरीज को देना है। डॉक्टर वो कह रहा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। हाँ मुझे पता है मगर आज तुमने दोस्ती की खातिर तहज्जुद। कहा मेरे से तो मैं तो सोता ही लेट हूं। कहा नहीं तुम जब भी सोना उठाना मेरा काम है। तो आगा गाजी तौहीद का पहाड़ थे, पहाड़ तसव्वुर नहीं कर सकते। ये उनका मशहूर जुमला जब उनके शागिर्द ने उनसे कहा ना हाशिम हद्दाद जो उनका शागिर्द था जो लोहार था और देखते हुए लोगों को भट्टी से ही उठाता था, उनका शागिर्द था। उसने पूछा अपने उस्ताद से आगा काजी से कि आपकी कभी इमाम जमाना से मुलाकात हुई है, तो क्या फरमाया, अंधी हो वो आंख जो सुबह उठे और अपने वक्त के इमाम को ना देखे। उस मकाम पर क्या कह रहा है, मेरा काम है उठाना, तुम इरादा करके सो बस। उठा और बाहर आया, आसमान को देखता है, वजू करता है, गिरिए करता है, कहता है परवरदिगार मैं गुनाहगार, मैं खताकार, मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तू मेरी इबादत को कबूल करेगा? मैं तुझे वास्ता देता हूं उनका जो तेरे वली है, जो तेरे दोस्त है, जिसकी तू इस वक्त इबादतें कबूल कर रहा है, मुझे माफ कर दे। वो शख्स जो बदमाश हुआ करता था वो हौजे का आलिम बन गया। एक तहज्जुद की नमाज कम न ले अपने आप को, कम न ले। लज्जत इसी में है जने मोहतरम, मैं क्या करूं, मैं आपको और कौन सी लज्जत दूं इस दुनिया में। जिसे रात की हालत में कुनूत हुए अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह करना आ गया, वो किसी और वादी में चला जाता है। आयतुल्लाह उज़्मा बहज़त फरमाते थे कि हमारे उस्ताद के आयतुल्लाह गाजी हमें कहते थे कि तहज्जुद की नमाज में कभी जुआए जोशन कबीर, कभी दुआए कमैल, कभी दुआए अबू हमजा, जिंदगी गुजरती जा रही है ऐसी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। कभी टेस्ट तो करें, कभी उस लज्जत को महसूस तो करें कि कोई छोटी सी दुआ पढ़ ले, थोड़ी सी दुआ पढ़, आपको पता चलेगा कि आलम क्या है, ये जो है ये नहीं है, असल आलम कुछ और है। इसीलिए करबला में जब इमाम हुसैन का सर नेजे पर था तो 18,000 आलम झुके हुए थे और वो जो इमाम तक पहुंचे थे वो इस आलम में नहीं थे, वो किसी और आलम में पहुंच चुके थे। इसीलिए तो तलवार की धारें और तीर और नेजे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, रोक सका कोई नहीं रोक सका। वक्त के इमाम को ऐसे लोग चाहिए।